करें। और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं, उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु रौली हल्दी मौली चंदन चावल मेहंदी अभीर गुलाल लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर। और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पैसार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए, 1 कमलगट्टा 1 हल्दी की गठान 1 अमरबेल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहाँ से चौकी को पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोछा फेर दो और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं अमरबेल कमलगट्टा हल्दी की गांठ जो रखी है उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है उसी अलमारी उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए, द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिवलक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो।